Students, this is your SST book, and in today class we will read the page number 67 of chapter number 15, People Who Help Us, लोग जो हमारी मदद करते हैं. तो people help us, जो में हमने the teacher, the doctors को पहली वीडियो में हमने read कर लिया है, और अब हम इस वीडियो में इसके आगे का read करेंगे. ठीक है, तो डॉक्टर में हमने रीड किया ही था, आगे हम रीड करते हैं पेज नंबर 67. प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैव ऑल्सो बीन सेट अप टू हेल्प द विलेजर्स सम टाइम्स मेडिसिन मेडिकल कैंप्स लाइक आई कैंप्स एंड हार्ट डिजीज चेकिंग कैंप्स आर हेल्प टू हेल्प द पीपल. प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो होते हैं वो सेटअप करते हैं गांव के लोगों के लिए मेडिकल कैंप्स, जैसे कि आई कैंप्स, आंखों के लिए कैंप लगाते हैं, वहां पे उनके आईज में जो प्रॉब्लम होती है उसको ठीक करते हैं, ऑपरेशन भी करते हैं, कई बार मेडिसिन भी प्रोवाइड करते हैं, साथ में ऑपरेशन भी किया जाता है उनको. एंड हार्ट डिजीज से लाइक जो भी प्रॉब्लम होती है उनको चेक करके पता लगाते हैं और उनको बताते हैं. वी हैव वेटरनरी डॉक्टर्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सिक और इंजर्ड बर्ड्स एंड एनिमल्स. तो वेटरनरी डॉक्टर्स जो होते हैं वो एनिमल्स के डॉक्टर्स होते हैं, बर्ड्स के डॉक्टर होते हैं. तो कई बार क्या होता है, विलेज एरियाज में एनिमल्स सभी के घर में होते हैं, और क्योंकि ये फील्ड में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, तो इनकी कभी जब तबीयत खराब हो जाती है तो इनके लिए भी अलग से एक डॉक्टर होते हैं. तो ये डॉक्टर्स जो है उनका ट्रीटमेंट करते हैं जब वो बीमार हो जाते हैं, और बर्ड्स का भी इलाज करते हैं. नेक्स्ट है द पोस्टमैन. पोस्टमैन जो हमारे लेटर्स लेके आता है और लेके जाता है, पहुंचाता है जहाँ पे हमें भेजना होता है. द पोस्टमैन इज अ पर्सन हु डिलीवर्स आवर लेटर टेलीग्राम्स मनी ऑर्डर्स एसेट्रा. पोस्टमैन एक वो व्यक्ति है जो हमारे लेटर्स को, टेलीग्राम्स को, टेलीग्राम जो होता है वो जो क्विक मैसेज हमें जल्दी से पहुंचाना होता है वो है, मनी ऑर्डर पैसे है, वो हमारे ये सब चीज़ें लोगों को पहुंचाता है. ही वर्क्स इन अ पोस्ट ऑफिस, और ये पोस्ट ऑफिस में काम करता है. ही कलेक्ट लेटर्स फ्रॉम द लेटर बॉक्स. ये लेटर को लेटर बॉक्स से कलेक्ट करता है, इकट्ठे करता है. मैंशन बाय द पोस्टल डिपार्टमेंट, और जो कि पोस्टल डिपार्टमेंट में जहाँ पे मैंशन होता है वहाँ से इकट्ठा करता है. ही स्टैम्प द लेटर्स, और उस पर स्टैम्प लगाता है. एंड सॉर्ट्स देम एट द पोस्ट ऑफिस, और उनको छांटता है, मतलब कि जिस जिस एरिया में देना होता है उसी के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग रख लिया जाता है. देन दे आर सेंट टू डिफरेंट पोस्ट ऑफिसेस बाय बस. फिर ये डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट ऑफिस में बाय बस, ट्रेन और प्लेन के द्वारा भेजा जाता है. ठीक है, द पोस्टमैन एट द अदर एंड रीड्स द एड्रेसेस एंड डिलीवर्स द लेटर टू द एड्रेसेस रिटन ऑन देम. और दूसरी तरफ जहाँ पे यहाँ एक तो ये काम हो गया कि पोस्ट ऑफिस में जो हमने डाला उसको शॉर्ट आउट किया, फिर अलग अलग जगहों का जहाँ पे है वहाँ पे बस, ट्रेन और प्लेन के थ्रू वहाँ पे भेजा जाता है. लेकिन जब जहाँ पे भेज दिया जाता है, जिस जगह का होता है, वहाँ फिर पोस्टमैन का वर्क ये होता है कि वो उस एड्रेस को रीड करते हैं, और फिर उस रीड करने के बाद में उसे अलग अलग जहाँ पे पहुँचाना होता है एड्रेस ही, यानी जिस पते पे भेजा गया है, लिखा हुआ है उसके ऊपर, वहाँ पे वो भेज दिया जाता है. इन आवर कंट्री वी हैव अ पोस्ट ऑफिस फॉर एवरी बिग विलेज. हमारे देश में हमारा जितने भी बड़े विलेज, बड़े गांव हैं, उनमें एक पोस्ट ऑफिस होता है. टू और थ्री स्मॉल विलेजेस मे हैव अ कॉमन पोस्ट ऑफिस. दो और तीन गांव का मिलकर के एक कॉमन पोस्ट ऑफिस होता है, यानी एक ही जगह पे दो तीन गांव के लेटर आते हैं और भेजे जाते हैं. बट इन ईच टाउन एंड सिटी देयर आर मैनी पोस्ट ऑफिसेस. लेकिन ईच टाउन यानी हर एक कस्बे और शहरों में अलग अलग पोस्ट ऑफिस होते हैं, मतलब एरिया वाइज पोस्ट ऑफिस होते हैं, वहाँ पे अलग होते हैं, यानी टाउन और सिटीज में ये फैसिलिटी बढ़ जाती है. द ड्यूटी ऑफ अ पोस्टमैन इज वेरी हार्ड. जो पोस्टमैन की ड्यूटी है वो बहुत ही हार्ड होती है. ही हैज़ टू वर्क इन ऑल काइंड्स ऑफ वेदर. उसे
मौसम चाहे कैसा भी हो, उसे अपना वर्क कंप्लीट करना ही होता है, क्योंकि उस लेटर में किसी का अर्जेंट मैसेज भी हो सकता है, तो ये उसे समय पे पहुंचाना ही होता है हर हाल में. इवन बैड वेदर डज नॉट डिस्करेज हिम फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटीज. बैड कहते हैं यहाँ तक कि जो बैड वेदर होता है, या हम ये कह सकते हैं कि बारिश है, और कई बार बारिश है या कोई और भी नेचुरल हैजर्ड्स वगैरह आते हैं, आंधी है, तूफान है, तो इसमें वो अपने वर्क को करता ही है. यानी वेदर खराब होने का मतलब ये है कि आज बारिश हो रही है, बहुत ठंडा मौसम है, तो इस वेदर में भी वो अपने वर्क को कंप्लीट करता है. द पुलिसमैन, अब हम पुलिसमैन के बारे में रीड करेंगे. द पुलिसमैन इज अ पब्लिक सर्वेंट. पुलिसमैन भी पब्लिक सर्वेंट है, यानी वो सभी लोगों का ध्यान रखते हैं. वी वर्क्स इन अ पुलिस स्टेशन. ही वर्क, वो वहाँ पुलिस स्टेशन में कार्य करता है. ही वेयर्स खाकी यूनिफॉर्म सो दैट वी कैन रिकॉग्नाइज हिम. ये खाकी यूनिफॉर्म पहनते हैं जिसकी वजह से हम इनको पहचान सकते हैं. ही हेल्प्स इन कीपिंग पीस एंड ऑर्डर. और ये हमें पीस यानी शांति बनाए रखने में और ऑर्डर जो मेंटेन करने में हमारी हेल्प करते हैं. ही प्रोटेक्ट्स आर लाइफ इन प्रॉपर्टीज फ्रॉम बैड पीपल. ये हमें प्रोटेक्ट मीन्स होता है बचाते हैं आर लाइफ, हमारी जीवन को, हमारी प्रॉपर्टी को. बैड पीपल जो कुछ बुरे लोग होते हैं उनसे हमारी लाइफ की भी रक्षा करते हैं, और हमारी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जो हमारी वैल्यूबल थिंग्स हैं, उनको भी उनसे हमें बचाते हैं. ही हेल्प्स इन फाइंडिंग आर लॉस्ट थिंग्स. और ये हेल्प करते हैं, ये लॉस्ट यानी खोई हुई चीज़ों का पता लगाने में भी हमें हमारी हेल्प करते हैं. ही कीप्स एन आई ऑन बैड करेक्टर. जो जिनका करेक्टर अच्छा नहीं होता है उन पर भी ये अपनी नज़र बनाए रखते हैं. ही कैचेस थीव्स एंड अदर पीपल हु ब्रेक द लॉ. ये चोरों को पकड़ते हैं या और लोगों को पकड़ते हैं जो कानून को तोड़ते हैं, यानी कानून का जो पालन करते नहीं है, लोग रूल्स को फॉलो नहीं करते, उनको ये पकड़ते हैं. जो चोर होते हैं या सामान लेके भाग रहे होते हैं, किसी का चीज़ खींच करके भाग रहे हैं, अवेल्यूबल थिंग्स को लेकर के भागते हैं अगर, तो उनको ये पकड़ते हैं, पता लगाते हैं और उनको पकड़ते हैं. विदाउट द पुलिस मैन देयर वुड बी द लॉ ऑफ जंगल एवरीवेयर. ये विदाउट द पुलिसमैन यानी पुलिसमैन के बिना अगर हम कल्पना करें तो सब जगह जंगल राज हो जाएगा, यानी कोई किसी की नहीं मानेगा, कोई किसी रूल को फॉलो नहीं करेगा, हर तरफ सब लोग अपनी मनमानी करेंगे. इन बिग सिटीज, बड़े शहरों में देयर इज हैवी ट्रैफिक ऑन द रोड. बहुत ही हैवी ट्रैफिक होता है रोड पर. अ ट्रैफिक पुलिसमैन गाइड्स द ट्रैफिक एट द क्रॉस रोड. एक जो ट्रैफिक पुलिसमैन होता है वो रोड को क्रॉस करने में हमारी हेल्प करता है, हमें गाइड करता है. ही डायरेक्ट्स द ट्रैफिक, और वो ट्रैफिक को डायरेक्ट भी करता है. ही गिव्स सिग्नल्स टू द व्हीकल्स टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स एंड अवॉइड एक्सीडेंट. और वो सिग्नल्स देता है व्हीकल्स को कि वो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें जिससे कि कोई भी एक्सीडेंट या दुर्घटना ना हो सके. द यूनिफॉर्म ऑफ अ ट्रैफिक पुलिसमैन इज डिफरेंट फ्रॉम द यूनिफॉर्म ऑफ अ पुलिसमैन. यूनिफॉर्म जो ट्रैफिक पुलिस की होती है वो पुलिसमैन से अलग होती है जिससे कि हम उनको रिकॉग्नाइज कर सकें. सो स्टूडेंट, रीड दिस चैप्टर एंड लर्न द डिफिकल्ट वर्ड्स ऑल्सो. थैंक यू.